हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये चैप्टर 5 की। आपको एक इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस का 4i माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस i एंड ब्रैकेट में 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इस क्वेश्चन को बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के का समथिंग आपको इस तरीके से बना के क्वेश्चन दे रखा है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो आपको बोल सकते हैं कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्स प्लस आई वाई। हम इसको बोल सकते हैं कि इसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पे खेल है पूरा। अच्छे से हमने सिंप्लीफाई करना है, कहीं पे मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये इजीली हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। बस इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आयोटा की वैल्यूज आपको अच्छे से पुट करनी होगी। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड का हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट और राइट ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। तो इसको ऐसे मत लिखिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इस पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस का 4i और 1 प्लस i ये आपके पास है। हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस i माइनस का यहाँ पे 2 है और 1 माइनस का 4i। ये कैसे, वो आपको पता है, एलसीएम लेके ये वाला पार्ट यहाँ चलेगी और ये यहाँ चले गया। देन ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, इसको अभी एज इट इज़ इसका कोई यूज़ नहीं है 3-4, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉब्लम है ये, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे एलसीएम है लेना है, इसलिए हमने पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। देन देखिए 1 माइनस का आई माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस 2 4 8i अपॉन, यहाँ हम इसको 1 माइनस 4i और 1 प्लस i को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आई से मल्टीप्लाई होगा तो i रहेगा, फिर 4i की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस का 4i, फिर माइनस 4i i से जब मल्टीप्लाई करेगा, देखिए माइनस 4i i से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस का 4i स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस सॉरी 4 1 4, तो ये पॉजिटिव 4 हो गया, ठीक हो गया। मतलब माइनस 4i को मैंने i से मल्टीप्लाई रफ में करके दिखा दिया और यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिख दिया। देन इसको मैं अभी एज इट इज़ रखूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए फिर आपके पास इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, देखिए ये बैलेंस हो गया 8i और i, इमेजनरी इमेजनरी से जुड़ गया तो ये 9i हो गया, और माइनस 2 और प्लस 1 मिलके क्या बनेगा, माइनस 2 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा विद नेगेटिव साइन और 9i आपका प्लस का आएगा। मैंने ऐसा क्यों करा, हमेशा हमें रियल पार्ट को पहले लिखना होता है, इमेजनरी बाद में लिखना, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि माइनस 1 रियल वाला आ गया है। देन आप देखिए अपॉन, यहाँ देखिए 1 प्लस 4 इज 5, 4i में से i माइनस हुआ तो ये माइनस का 3i हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये थोड़ा इजी होते जा रहा है, देखिए ये जो था ये इसने ये वाला फॉर्म ले लिया, ठीक है, ये सिंप्लीफाई होते हुए ये आ गया। अब हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, पहले माइनस 1 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर माइनस 1 माइनस 4i से होगा तो माइनस माइनस प्लस 4i हो जाएगा ये, फिर 9i 3 से होगा तो 27i हो जाएगा ये, फिर 9i 4i से होगा तो माइनस का 36i स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 9 4 36, i इंटू आई इज आई आयोटा स्क्वायर माइनस, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस कर देंगे। उसके बाद है 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25, 5i से मल्टीप्लाई हुआ तो 5i, फिर माइनस का 3i इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 5 15i, माइनस का 3i इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस का 3i स्क्वायर हो गया। फिर देखिए ये क्या बनता है, यहाँ पे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का 3, देखो 27i है ये 4i, 27 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 31i,
और यहाँ पे 36 आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो माइनस का इसकी वैल्यू जब तुम माइनस 1 रखोगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 36 हो जाएगा आपके पास अपॉन, नीचे देखिए क्या है आपके पास, 25 को ऐसे ही रहने दीजिए, अभी 5i में से 15i माइनस करना है तो 10i आएगा, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि 15i के आगे नेगेटिव का साइन है, 15 नंबर आपका बड़ा है 5 से, तो 15i 5i से माइनस होकर माइनस का 10i देगा, माइनस का 3i स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इसको बस समझने के लिए मैंने लिखा था, इसे हटा दीजिएगा। देन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का 3 है और 36 है, 36 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 33 हो जाएगा, 36 माइनस 33 इज 33, प्लस का ये 31 आई हुआ अपॉन, नीचे देखिए क्या हो गया, ये 28 माइनस का 10i, 28 माइनस का 10i, ओके। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन अब आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आंसर शीट जो भी आपको आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग करने के लिए, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है इस वाले में, तो 33 प्लस 31i और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा, 5i हो गया, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे अभी आ चुका। बट आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि आयोटा ना आए, वैसे ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमें एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म लाना है, बट यहाँ से हमने इसको हटाने के लिए, इस आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है ये 2 जो वाला पार्ट है 2 एज इट इज़ रहेगा, 14 माइनस 5i का जो आपका इसमें अपोजिट साइन से, यानी कि 14 प्लस 5i से इसी तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं, ये रैशनलाइज कर देंगे। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैं इसको यहाँ पे करूँगी, देखिए यहाँ पे करेंगे 33 आपका मल्टीप्लाई होगा 14 से, तो ये देगा आपके पास, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देती हूँ ये कितना आएगा, ये आएगा 462, ओके। फिर देन 33 जब 5 से मल्टीप्लाई हो करेगा तो ये हो जाएगा 165i, ठीक है, देन 31i जब 14 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 434i, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 31 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देन 31i जब 5i से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 155i इंटू आई इज आई स्क्वायर हो जाएगा, ओके ये हो गया। देन डिनोमिनेटर में देखिए 2 जो था उसको आप ऐसे करके और बाहर से ही रखिएगा, यहाँ पे देखिए a माइनस बी है ये, और ये आपके पास है a प्लस बी, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस का 5i का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/2 ये हो जाएगा आपके पास, में ब्रैकेट लगा देते क्योंकि 1/2 है बाहर से, ठीक है, 462 को अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, प्लस 165 में 434 अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास होता है 599i आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करिए, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 अगेन, 4 एंड 1 5 हो गया, देन ये 155 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती, माइनस प्लस माइनस 155 हो गया, और नीचे देखिए बैलेंस क्या हो गया, 14th का स्क्वायर हमारे पास होता है 196, 5i का स्क्वायर आप रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए जब भी ऐसा कुछ आता है तो उसको आप रफ में सॉल्व करिए, 5i का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, 5i को दो बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, iota into iota is iota square की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस का 25 ये आ गया आपके पास, तो इसकी जगह पे 5i स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूँगी, माइनस 25, तो देखिए ये कितना हुआ, इज इक्वल टू 1/2 बाहर से था, ओके। तो देखिए यहाँ पे 462 में से हम 155 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 307, आप माइनस करके देखिएगा यही आएगा, 599i है, देन अपॉन में देखिए 196 माइनस माइनस प्लस 25, तो ये आंसर इसका आएगा, फाइनल आंसर मैं करूँगी अब, देखिए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर से रहेगा, ओके 1/2 बाहर से रहेगा, 307 प्लस 599i ऊपर एज इट इज़ रहेगा, ये अब तो अब सॉल्व नहीं होगा आगे, अपॉन में देख लीजिए 196 को हम
25 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 221। ठीक है, अब इसको हम ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 221 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 244। ओके, तो अब बस ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x प्लस आई वी के फॉर्म, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम कह सकते हैं। ये आपके पास a हो गया प्लस i, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये देखिए, ये हमारे पास a, ये हमारे पास a प्लस, ये i को आगे कर लीजिए, ये आपके पास b। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको इस तरीके से रियल पार्ट अगर ऊपर है, एक इमेजिनरी पार्ट नीचे, ऐसे दिया और उसको सॉल्व करके बोला हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा हमने इसको a प्लस आई वी या x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलते रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।